तो दोस्तों अगर आप भी इनके जैसा अपने वीडियो में ऑटो कैप्शन को लगाना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों ये जो जो बोल रहा है आप देख सकते हैं कि ये कितना फास्ट और अच्छी तरीके से लिखा रहा है। तो अगर आप भी इसी तरीके से अपने वीडियो पर इनके जैसा ऑटो कैप्शन को लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप AI वीडियो में ऑटो कैप्शन को कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों अभी AI वीडियो काफ़ी ट्रेंड चल रहा है और ये अभी काफ़ी वायरल भी हो रहा है। तो अगर आपको नहीं पता है कि AI वीडियो कैसे बनाया जाता है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको AI वीडियो में ऑटो कैप्शन को कैसे लगाना है, यानी कि दोस्तों वो जो जो बोलेगा वो ऑटोमेटिक लिखाएगा। तो अगर आप भी दोस्तों अपने वीडियो में ऑटोमेटिक कैप्शन को लगाना चाहते हैं वो भी अच्छी तरीके से तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि ऑटो कैप डाउनलोड करो, कैप कट डाउनलोड करो, तब आप ऑटो कैप्शन को लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने कैट कैप, ऑटो कैप ये सारे एप्लीकेशन को यूज करके देखा हूँ, इससे तो दोस्तों मेरे वीडियो में कोई भी कैप्शन नहीं लगा है। यहाँ तक कि दोस्तों कैप कट एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में काम ही नहीं करता है। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी ढूंढने पर एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन को ढूंढ के लाया हूँ, जिससे कि दोस्तों आप अपने वीडियो में इजिली ऑटो कैप्शन को लगा सकते हैं और वो भी कुछ ही सेकेंड में। तो वो कौन सा एप्लीकेशन है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ये वाला एप्लीकेशन को सर्च मारना है। इसका नाम है ऑटोमेटिक सब टाइटल एंड कैप्शन। आप देख सकते हैं दोस्तों इसके लोगों को। तो आपको क्या करना है, इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आप इसी के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से अपने वीडियो में ऑटो कैप्शन को लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। तो अब चलिए मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपने वीडियो में इससे ऑटो कैप्शन को कैसे लगाना है। तो सबसे पहले मैं अपने एक वीडियो को आपको दिखाता हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये तीन बातें आपको दूसरों से अलग बना देगा। पहला, आप प्रतिदिन छोटा सा अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को उस दिन अचीव करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यह एक AI जनरेटेड वीडियो है और अभी इस वीडियो में कोई भी ऑटो कैप्शन नहीं लगा हुआ है। तो मैं इसी वीडियो में ऑटो कैप्शन को लगाकर आपको बताने वाला हूँ। तो हम यहाँ से बैक हो जाएंगे और अब हम दोस्तों प्ले स्टोर से जो ऐप्स को डाउनलोड किए हैं उसमें जाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें जाना है हमको। इसमें जाने के बाद दोस्तों आपको ये सब देखने से डरना नहीं है, ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है। तो इसे हटाने के लिए सिंपली से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने गैलरी में आ जाइएगा। तो दोस्तों आपको जिस भी वीडियो पर ऑटो कैप्शन को लगाना है उस वीडियो को यहाँ से ले लेना है। तो चलिए मैं इस वाला वीडियो को लेता हूँ। और दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा ऐड वगैरह देखने को मिलेगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना इंटरनेट को बंद कर लेना है, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर ऐड आकर आपको परेशान कर देगा। तो आपको यहाँ से अपना पहले इंटरनेट को बंद कर लेना है। दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको उसी तरह से करना है, नहीं तो आप ऑटो कैप्शन को नहीं लगा पाइएगा। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट को बंद कर लेना है ताकि ऐड ना आए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश इंडिया। तो दोस्तों आपको जिस भी लैंग्वेज में ऑटो कैप्शन को लगाना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और मैं दोस्तों अपने वीडियो में हिंदी कैप्शन को लगाने वाला हूँ। तो हम यहाँ से हिंदी को सर्च मारेंगे। हिंदी सर्च मारने के बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है हिंदी इंडिया। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी आपको ध्यान से देखना है। तो अभी आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना इंटरनेट को चालू करना है। यहाँ से इंटरनेट चालू करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसके नीचे यहाँ पे हिंदी के नीचे। इसके बाद दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसक्रिबिंग ऑडियो हो रहा है, यानी कि दोस्तों ऑडियो के हिसाब से मेरा यहाँ पर कैप्शन लिखा जाएगा। कुछ देर आपको यहाँ पर वेट करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा कुछ ही सेकेंड में यहाँ पर ऑटो कैप्शन ले लिया है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो कैप्शन लिखा गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग वोटिंग को करना है, तो चलिए मैं उसको आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉन्ट टू यूज। आपको यहाँ पर बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं इस वाले फॉन्ट को रहने देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इस फॉन्ट के कलर को बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कलर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर पहला नंबर पर है फॉन्ट साइज, तो आपको फॉन्ट साइज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। और दोस्तों ये सब आप अपने हिसाब से कीजिएगा कि आप कितना फॉन्ट के साइज को रखना चाहते हैं। तो आपको अपने हिसाब से इसके साइज को यहाँ से रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मिनिमम टेक्स्ट साइज, तो इसको भी आपको अपने हिसाब से यहाँ से बढ़ा घटा कर देख लेना है।
यहाँ पर किस तरह से लिखा रहा है। तो दोस्तों मैं इतना रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉन्ट स्ट्रोक। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस फॉन्ट में स्ट्रोक को लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तीसरा नंबर पर ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट पैरामीटर्स। आपको इस वाले सेटिंग को ध्यान से देखना है, ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये दो रहेगा, तो आपको एक पर कर देना है यहाँ से। वैसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आप कितना रखना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है पोजीशन वाई, इसको घटाने बढ़ाने से ये ऊपर नीचा हो गया, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो हमको क्या करना है, इसको थोड़ा नीचा रखना है, तो हम कुछ इस तरह से इसे नीचा कर लेंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको अपने हिसाब से ये सारे सेटिंग को कर लेना है। तो ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा वीडियो का पार्ट दिया गया है कि ये कुछ इस तरीके से इसमें सब टाइटल आएगा। तो इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, सिंपली सी ऐड सब टाइटल पर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अभी हमारा अच्छी तरीके से इस वीडियो में ऑटो कैप्शन लग गया है। चलिए मैं इसे प्ले करके आपको सुनाता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे प्ले करता हूँ, आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि किस तरह से इसमें ऑटो कैप्शन लिखाएगा। ये तीन बातें आपको दूसरों से अलग बना देगा। पहला, आप प्रतिदिन छोटा सा अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को उस दिन अचीव करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुश रहने से आपका दिन अच्छा जाएगा। तीसरा, जब भी कोई लोग तुम्हें गलत कहे या गलत समझे तो हमेशा चुप रहिए, वक्त आने पर जवाब उसको खुद मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी आपने देख लिया कि काफी मस्त तरीके से इसमें ऑटो कैप्शन लग गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी अपने वीडियो में ऑटो कैप्शन को लगा सकते हैं। और दोस्तों यही सबसे आसान तरीका है वीडियो में ऑटो कैप्शन लगाने का। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ में चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।